अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं धनिया जो होता है कोरिएंडर, उसको किस तरह से मैं फ्रीज़ करती हूँ। इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी और बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स भी आए थे, मैसेजेस भी आए थे कि हम करते हैं तो ब्लैक हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको सिंपल ही टिप्स हैं और थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छी तरह धनिया को साफ़ कर लें, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, मोटी डंडियों के साथ, पतली डंडियों के साथ आप इसको साफ़ कर लें। उसके बाद आप इसको ड्राई करेंगे, थोड़ी देर छलनी में रख दें, स्ट्रेनर में रख दें ताकि पानी सारा जो है उसमें से निकल जाए। उसके बाद आप कोई भी मोटा टिश्यू पेपर लेके या आप अखबार ले लें, जो आपको बेहतर लगे। मैं वैसे टिश्यू पेपर में ही रखती हूँ, नीचे भी रख लेती हूँ, ऊपर भी रख लेती हूँ, और आप देखें ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। पहली टिप तो ये कि आपने पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं छोड़ना, और सेकेंडली ये कि आपने इसको बिल्कुल एयर टाइट बैग ले लें, कंटेनर ले लें, जिप लॉक बैग ले लें, जो भी आपके पास है आपने उसमें रखना है, और उसमें हवा बिल्कुल भी पास नहीं होनी चाहिए। और यही एक रीज़न होती है कि बहुत ज़्यादा ये सुनने में आता है कि हम फ्रीज़ करते हैं, ब्लैक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और इवन कि मैंने भी बहुत साल ख़राब करके और उसके बाद सीखा है। और आपको मैं सिंपल ये बता रही हूँ, छोटा सा मैंने कोई भी शॉपर ले लें, कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है, हवा अच्छी तरह से इसमें निकालने के बाद मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और उसके बाद ये है कि जब मुझे ये डालना होगा मैं फ़ौरन निकालूंगी और फ़ौरन मैंने डाल देना जिस चीज़ में भी मैं यूज़ करूंगी। थोड़ी देर भी अगर आप इसको बाहर रखेंगे तो ये बिल्कुल ही काला हो जाएगा और आपके यूज़ का नहीं होगा, टेस्ट भी ख़राब होगा। तो होप्स हो कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो जी लाइक करके जाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।